So, जो तो उड़ीसा एफ सी एक लालिका के प्लेयर को खरीदना चाहता है जिसका नाम है अलेक्जेंडर पेंटिक अच्छा प्लेयर है बहुत बढ़िया बढ़िया क्लब में खेला है में है, है, है लास्ट क्रेटिक में ही खेल रहा था क्रेटिक भी बहुत बढ़िया क्लब है सो है। so, देखते हैं क्या होता है सो नेक्स्ट आ रहा है यूजार एफ सी गोवा और नॉर्थ ईस्टेड एफ दोनों को लेकर सो so, दोनों ही टीम एक प्लेयर को खरीदना चाहते हैं जिसका नाम है डिमिटर इलीफ सो so, ये एक मतलब सेंट्रल मिडफील्डर है डिफेंसिव मिडफील्डर है सो so, बहुत अच्छा प्लेयर है और इसी गुआ को चाहिए क्योंकि ए सी के बहुत सारे प्लेयर निकल चुके हैं उस पोजिशन में कोई प्लेयर भी है भी नहीं सो so, देखते हैं क्या होता है फिर so, नेक्स्ट में ज़रा वॉर है टोटनम हाउसपर को लेकर तो so, टॉटनम हाउसपर मुनियोर को खरीदने जाते हैं मुनियर को सो so, जो कि मतलब अच्छा प्लेयर है और जो से मु बहुत ट्राई कर रहे हैं कि अगर वो मुनियर को खरीद सके तो और ऑलमोस्ट कन्फर्म है आप समझ लीजिए क्योंकि न्यूज ऐसा ही निकल के आ रहा था कि कन्फर्म है ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट हुआ नहीं है जब होगा मैं बता दूंगा तो so, जो नेक्स्ट यूज आ रहा है वो आ रहा है रियल मदिद की तरफ से तो रियल मदिद जिस प्लेयर को अभी के लिए सबसे ज्यादा टारगेट कर रहा है वो है पॉल पॉक लास्ट टाइम रियल मदिद के मैनेजर्स ने बोला था कि हम लोग एम को टारगेट कर रहे हैं बट लगते हैं थोड़ा सा मतलब टफ है को खरीदना सो अभी बॉल पोक है सो देखते क्या होता है, सो जो है वो इंटर मिलान और एथलेटिको को इंटर मिलान दोनों ही उजी को खरीदना चाहते हैं लेफ्ट विंगर उन्नीस साल का एज बहुत बढ़िया प्लेयर सो देखते है। सो ने बार्सिलोना को लेकर सो बार्सिलोना उदना जाता है जो कि सही है अभी के लिए बार्सिलोना को वैसा एक प्लेयर चाहिए बहुत ज्यादा सो so, अभी के लिए तो मुझे ये डील सही लग रहा है so, जो नेक्स्ट वो रहा क्लियर क्लियर को, so, को खरीदने के लिए कोई कुछ भी करने को तैयार है और वैसा ही कुछ काम किया है क्लॉप ने लेवरपुर का कोच उन्होंने डायरेक्ट क्लियर लिम्बापे को फादर को फोन करके पूछ लिया जो कि मुझे लगता है जरूरत तो नहीं था और अभी सबसे ज्यादा चांसेस जो रिपोर्ट का आया क्योंकि वो रियल मदी में ही जाएंगे कि रेल बापे अगर कहीं जाएंगे तो सो मुझे पता नहीं आज मैंने दोनों ही अलग अलग टाइप के न्यूज दे दी है शायद बाना चाहते हैं रेल तो देखते होते हैं और जो लास्ट न्यूज आ रहा है वो सैड नहीं बोलूंगा बट हाँ उतना कुछ खुशी वाला न्यूज नहीं है कि एलन एन रॉबिन रिटायरमेंट ले लेंगे मतलब ऐसा ही उन्होंने खुद ही बोला है कि वो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं सो so, देखते क्या होते हैं अगर वो रिटायरमेंट लेंगे तो थोड़ा सा एक सैड न्यूज क्योंकि बहुत अच्छे प्लेयर थे सो so, बस वैसे आज के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए क्या लगता है कि रॉबिन को क्या अभी रिटायरमेंट लेना चाहिए है और थोड़ा दिन खेलना चाहिए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन बाय